शहर के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के समस्त वाहन के चालकों और परिचालकों को कोविड का टीका लगाया गया। आरटीओ विभाग और बस ऑपरेटर यूनियन के संयुक्त प्रयास से ज्यादा चालकों परिचालकों को टीका लगवाया गया। आरटीओ अधिकारी विक्रमजीत सिंह कंग ने बताया कि कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के निर्देश पर विशेष रूप से सभी वाहनों के चालकों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें बुधवार को वाहनों के समस्त स्टाफ को टीकाकरण करवाया, जिसमें लगभग 100 लोगों ने टीका लगवाया। बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष अरविंद चौरसिया ने बताया कि सुरक्षा को देखते हुए वाहनों के स्टाफ को जिला प्रशासन के आह्वान पर टीकाकरण कराया जा रहा है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि अगर बस स्टैंड पर वैक्सीन का शिविर लगाया जाए, जिससे बस चालकों परिचालकों को सुविधा होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। यूनियन के सचिव उमेश अग्रवाल ने वैक्सीन लगवाने की सभी से अपील की। वैक्सीन का जो ये कार्यक्रम, हम लोगों को कल सूचना मिली कि वैक्सीन पूरे कर्मचारियों को लगाई जाना है और नंबर वन में आप उनको भिजवाएं, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और इसी वजह से हम दोनों लोग ऑपरेटर यहाँ पर उपस्थित हैं और सारे स्टाफ को हम लोगों ने सूचना दे दी थी कि आरटीओ साहब स्वयं बैठे हुए हैं और कलेक्टर साहब के निर्देश हैं कि वैक्सीन सबको लगवाई जाए। और हम लोग इसमें पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 2-3 दिन के अंदर वैक्सीन मैक्सिमम लोगों को लग जाए। तो इस संबंध में समस्त वाहन स्वामियों को, समस्त चालक परिचालकों को सूचित किया गया था कि आज से नंबर एक में विशेष रूप से चालक परिचालकों के लिए भी वैक्सीनेशन की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई है, जिससे ये कोरोना की जो वो है रफ्तार है कम से कम धीमी होगी और रुकेगी वैक्सीनेशन होने से। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आज जो वैक्सीनेशन जो है यहाँ पे नंबर एक स्कूल जो है उसमें हो रहा है यहाँ पे,